लोग, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर्स ऑफ रैंक बूस्टर प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए एक बार। लेट ए डिनोट द वैल्यू ऑफ दिस, वेर ए इज इक्वल टू 43 एंड बी इज इक्वल टू 57 एंड बी डिनोट दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। स्टार्ट करते हैं। लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10। ए प्लस बी लिखा हुआ, ए माइनस बी लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए प्लस ए बी होल स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4a प्लस बी, नीचे आ जाएगा 4। इससे ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग 10 बेस ए प्लस बी, 43 प्लस 57 100। तो हमारा आंसर कितना गया, 2 आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ए की वैल्यू आई है, हम लोग अब बी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 लॉग 6 बेस 18, तो इसको लिख सकता हूँ लॉग 6 बेस 3, और ये लिखा हुआ है 3 लॉग 3 बेस 6, ये 1 बन जाएगा। तो 2 की पावर 1 2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 लॉग 6 बेस 3, 3 लॉग 6 बेस 3। यस, पावर सेम है तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 लॉग 6 बेस 3, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6। अब मुझे निकालना है ए डॉट बी, तो हमारा 2 क्रॉस 6 कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन 0, लॉग एक्स बेस वाई लॉग वाई बेस एक्स इज इक्वल टू 10/3। तो लेट्स अज्यूम, लोग y बेस x को t अज्यूम कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 10/3, और ये हो जाएगा 3t स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 10t इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास बन के आएगा 3t माइनस 1 एंड t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की हमारे पास दो वैल्यू आ गई 1/3 और t इज इक्वल टू 3। ये सबसे पहले हम लोग 3 से स्टार्ट करता हूँ। तो x हमारे पास हो जाएगा log y बेस x इज इक्वल टू 3, तो x हमारे पास आ जाएगा y क्यूब। मैंने इसमें रखा वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 144 गिवन है, तो x रखा तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 144, तो y इज इक्वल टू रूट 12। यहाँ से ही हम लोगों ने x निकाल लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 की पावर 3/2। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ, x प्लस वाई प्लस 2 हम लोग रखें। अगर हम लोग x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करें तो एक नेचुरल नंबर आता है, तो हम इसको लिख रहा हूँ 12 की पावर 3/2 प्लस 12 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 2। तो हम लोगों ने इसको 12 की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12 प्लस 1, 12 की पावर 1/2 कॉमन लिया तो 12 प्लस 1 13/2 हो जाएगा। यस, इसको भी हम लोग रूट के अंदर लेके आ गए और हमने इसको लिखा तो ये आ गया √507। हम लोगों से n पूछा था तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 507। यस, 1/3 पर वो सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉग बेस एक्स रूट 2000 एक्स लोग 2000 एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। यस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गिवन है, एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। देखिए कैसे करते हैं, क्या कर लेता हूँ मैं, लोग ले लेता हूँ पूरे क्वेश्चन का। मैंने पूरे क्वेश्चन का क्या ले लिया है, लोग ले लिया है, और लोग किसके साथ लिया, बेस 2008 के साथ, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा लोग 2008, ये रूट 2008 हो जाएगा प्लस लोग 2008 एक्स, ये आगे आ गया, ये बन जाएगा लोग 2008 इज इक्वल टू लोग एक्स स्क्वायर। यस, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। लोग 2008 एक्स को मैंने टी अज्यूम कर लिया है, तो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर
ये टू आगे आ जाएगा तो ये हमारे पास बन गया टू टी। अब हम लोगों को क्या निकालना था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोगों, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम बन जाएगा 1 + 2t² इज इक्वल टू 4t। तो ये बन के आ गया टी -4t +1 इक्वल टू 0। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसके रूट्स, क्या कर लेते हैं, लेट्स इसके जो दो रूट आने वाले हैं तो वो क्या, दो सॉल्यूशन आने वाले, लोग 2008 x1 प्लस लोग 2008 x2, सम ऑफ रूट्स -4/2 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लोग 2008 x1 x2 इज इक्वल टू 2 एंड x1 x2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2000, सॉरी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स नॉट एंड वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन दिस एंड दिस देन एक्स नॉट इज। यस, पहले मैं इस क्वेश्चन का लेंथी मेथड बताता हूँ, फिर हम लोग इसके शॉर्टकट की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का दोनों साइड लोग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल एन टू, और इसका भी मैंने लोग लिया तो बन जाएगा एल एन टू एल एन एक्स। सेम यहाँ पर हम लोगों ने किया तो ये बन जाएगा एल एन थ्री और ये हो जाएगा एल एन वाई। मल्टीप्लाई कर दिया तो एल एन स्क्वेयर टू हो गया है, ये बन गया एल एन टू एल एन एक्स, ये हो जाएगा एल एन स्क्वेयर थ्री, ये हो जाएगा एल एन थ्री एल एन वाई। इसको मैं इधर लेके आ गया हूँ तो ये हो गया एल एन स्क्वेयर टू, ये हो गया एल एन स्क्वेयर थ्री इज इक्वल टू एल एन थ्री एल एन वाई एल एन टू एल एन एक्स। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। अब मैं सेकेंड इक्वेशन का भी यूज करता हूँ। सेकेंड इक्वेशन को मैंने दोनों साइड अगेन लॉग ले लिया तो ये एल एन एक्स हो गया और ये लॉग थ्री हो गया, ये एल एन वाई हो गया, ये एल एन टू हो गया। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट एक्स में करने के लिए मैं एल एन वाई की वैल्यू पुट करूँगा ऊपर इक्वेशन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन एक्स एल एन थ्री डिवाइड बाई एल एन टू इज इक्वल टू एल एन वाई। अब ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन के आएगा एल एन स्क्वेयर टू एल एन स्क्वेयर थ्री इज इक्वल टू एल एन थ्री, और वाई को मैंने लिखा एल एन एक्स, ये एल एन स्क्वेयर हो जाएगा, ये एल एन टू हो जाएगा, माइनस एल एन टू एल एन एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास एल एन स्क्वेयर टू, ये हो गया एल एन स्क्वेयर थ्री, ये हो गया एल एन स्क्वेयर थ्री एल एन एक्स माइनस एल एन स्क्वेयर टू एल एन एक्स डिवाइड बाई एल एन टू। यहाँ से भी मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया, और अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ, एल एन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बन के आ गया एल एन स्क्वेयर थ्री एल एन स्क्वेयर टू डिवाइड बाई एल एन टू इज इक्वल टू एल एन स्क्वेयर टू माइनस एल एन स्क्वेयर थ्री। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस वन के साथ, तो ये माइनस ऑफ एल एन टू इज इक्वल टू एल एन एक्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 आ गया। यही हमारा आंसर है। यस, बट ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इन दोनों इक्वेशन लॉग टू और लॉग थ्री पावर तो कभी भी सेम नहीं हो सकती। दोनों चीज़ों को इक्वल, दोनों टर्म को इक्वल होने के लिए यहाँ पर दोनों को सेम होना पड़ेगा, दोनों को सेम होने के लिए दोनों को 1/1 होना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर की पावर तो सेम नहीं हो सकती। तो x को 1/2 होना पड़ेगा और y को 1/3 होना पड़ेगा। दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1/2 होना पड़ेगा एंड y को 1/3 ही होना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये IIT का आया हुआ सवाल है पुराना, और इस पूरे कंप्लीट पार्ट को मैं एक बार s बोल दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, किस किस को एस किया, तो एस मैंने अज्यूम किया है, मैंने एस अज्यूम किया है 1/3 √2 √4 माइनस, अगेन ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो इसको मैं क्या लिख पाऊँगा, एस लिख पाऊँगा। अब मैंने क्या किया, रूट हटाने के लिए 3√2 एस इज इक्वल टू 4 माइनस एस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया है, तो ये हमारे पास बन के आ गया 9 18 18 एस स्क्वेयर प्लस एस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको मैंने फैक्टराइज किया 1872, तो ये हमारे पास बन गया 9s माइनस 4 एंड 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/9
एंड एस की वैल्यू -1/2, ये हो नहीं सकती क्योंकि किसी रूट से आउटपुट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा -1/2 नहीं हो सकता। तो अब हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को, ये लिखा हुआ है 6 log 3/2 और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/9। यस, ये तो ऐसा लिखा हुआ है 6 log 3/2 और इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 3/2 की पावर -2, तो ये तो 1 हो जाएगा। 6 - 2 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। x1 x1 y1 x2 y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, लोग 25x को हम लोग p अज्यूम कर लेते हैं और लोग 64y को q अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है p + q = 4, ये हमारे पास हो जाएगा 1p 1/q = 1, ये हमारे पास हो जाएगा q - p = pq। मैं क्या करता हूँ, एक बार p में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ और एक बार p में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले q में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने इसको लिखा q, p की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 - q = p को मैं लिख सकता हूँ 4 - q * q, तो ये हो गया q - q = 4q - q², तो क्यू स्क्वेयर को मैं इधर लेके आ गया, प्लस का हो गया, ये हमारे पास -2q हो गया और -4 = 0। क्यू में इक्वेशन बन गया, मैं पी में इक्वेशन बना लेता हूँ। तो क्यू को मैं लिख सकता हूँ 4 - p - p p, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - p 4 - 2p 4p - p², ये हमारे पास हो गया p² - 6p + 4 = 0। अब हमारे पास log 225, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x1 मैं बोल सकता हूँ और एक दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आएगा x2। तो वो किसकी वैल्यू आने वाले, p की, मैंने p अज्यूम किया तो वो किसके इक्वल आने वाला है हमारे पास, 6 के इक्वल। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आने वाला है, 6 के इक्वल आने वाला है। यानी इसको मैं लिखूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा log 225 x1 x2 = 6, तो x1 x2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 225 की पावर 6। सेम मैंने यहाँ पर किया तो इसको हमने लिखा log 64 y1 + log 64 y2 = सम ऑफ 2 के इक्वल आएगा, तो ये y1 y2 हमारे पास आ गया 64 की पावर 2। ये सब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमने क्या दिया हुआ, log 30 किसके लिए निकालनी है हम लोगों को, log 30 x1 y1 x2 y2, तो हम इसको लिख सकते हैं log 30 x1 x2 को लिख सकते हैं 225 की पावर 6, y1 y2 को लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया log 30 15 का स्क्वायर, तो 15 की पावर 12 लिख सकता हूँ इसको, ये 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिखा log 30 30 की पावर 12, तो 12 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 81, यस आप लोग देख लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, जस्ट लोग की बेसिक प्रॉपर्टी लगा दीजिए और आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ये सबसे पहले लोग की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 log 9 base 5, ऊपर जाके चेंज हो जाएगा ये। नेक्स्ट की बात करूँ तो ये बन जाएगा log 3 3 की पावर log 3 r, यहाँ पर आ जाएगा और √6 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे चल रहा है हमारे पास 409, यस वंदर वाले फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये लिखा हुआ √7, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2 log 7 base 25, यस माइनस इसको लिखा मैंने 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 log 25 6 लिखा हुआ है, यस कर लेते हैं सोल्व इसको। यस इसको मैंने लिखा 9 का स्क्वायर, 2 यहाँ पर चला जाएगा, 9 का स्क्वायर लिखा तो इसको 9 स्क्वायर 2 log 9 9 base 5, यस इसको मैंने लिखा
थ्री इधर चला जाएगा, तो सिक्स की रूट सिक्स की पावर हमारे पास थ्री हो जाएगा, और थ्री लॉग थ्री कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, डिवाइड बाई 409, ये हमारे पास बाहर चल रहा है। अब अंदर वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ। अंदर वाले पार्ट को जब मैंने सोल्व किया तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा रूट सेवन से स्क्वेयर से ये कट जाएगा, सेवन हो जाएगा, सेवन लोग सेवन वन हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है फाइव, ये हमारे पास लिखा हुआ है फाइव, इसको मैंने लिखा लोग फाइव का स्क्वेयर, तो थ्री बाई टू हो जाएगा, तो ये सिक्स की पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, ये लोग नाइन बेस नाइन वन हो जाएगा, इधर जाके 25 हो जाएगा, 25 प्लस रूट सिक्स की पावर थ्री चला हुआ है और यहाँ चल रहा है 409, इसको हमने किया तो ये 25 आ गया, फाइव लोग फाइव बेस वन हो जाएगा, और ये भी हमारे पास लिखा हुआ रूट सिक्स की पावर थ्री, ए प्लस बी लगाया और ए माइनस बी लगाया, तो 625 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा और ये 409 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर हो गया वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ये सबसे पहले तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव के लिए हम लोग इसको खोल रहे हैं, तो सबसे पहले पावर सेम हो जानी चाहिए, तो मैंने इसको लिखा लॉग थ्री बेस एक्स स्क्वेयर टू लॉग एक्स बेस नाइन इज इक्वल टू सेवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया, पावर को कंपेयर कर दिया है। पावर को कंपेयर करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, जैसे ही आप लोगों ने पावर को कंपेयर किया तो अब आपके पास लॉग थ्री बेस एक्स लिखा हुआ है और आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग एक्स बेस थ्री को, लॉग एक्स बेस थ्री को मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास टू आगे आ गया, ये लिखा हुआ है लॉग थ्री बेस एक्स माइनस टू लॉग एक्स बेस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा, इज इक्वल टू सेवन हो जाएगा, तो लॉग एक्स बेस थ्री को किया तो ये टी बन जाएगा, माइनस फोर एक्स बेस थ्री को किया तो ये टी हो जाएगा इज इक्वल टू सेवन, तो टू माइनस फोर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू सेवन टी, इसको हम लोग इधर ले गए, सेवन स्क्वेयर प्लस सेवन टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो क्या हो गया, फोर टी स्क्वेयर प्लस एट टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, फोर टी हम लोगों ने कॉमन लिया तो ही हमारे पास आ गया टी प्लस टू, माइनस वन कॉमन लिया तो टी प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो टी की एक वैल्यू हमारे पास वन बाई फोर आ गई और एक टी की वैल्यू माइनस टू हमारे पास आ गई। तो हम लोगों ने किसको अज्यूम किया था, लॉग एक्स बेस थ्री को, हम लोगों ने लॉग एक्स बेस थ्री को टी अज्यूम किया था, तो एक वन बाई फोर हो गया, तो थ्री इज इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई फोर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू, एक तो 81 हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा हम लोगों ने लिखा लॉग एक्स बेस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एंड थ्री इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाय रूट थ्री। बट हम लोगों ने जो मोड खोला था एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए बोला था, तो ये वाला चीज़ पॉसिबल नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 81 हमारा एक आंसर है। दूसरा एक आंसर हम लोगों को डायरेक्टली दिख रहा है, अगर मैं एक्स को टू पुट करूँ तो टू टू माइनस वन वन आने वाला है और टू माइनस वन वन आने वाला, तो वन की पावर हम लोग यहाँ पर कुछ भी करते रहे, यहाँ पर भी कुछ भी करते, आंसर क्या रहेगा सेम, तो एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू 81। प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है शायद, आई थिंक आंसर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था, तो हमारे पास आंसर क्या गया 81 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, आपको दोनों को सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स प्लस वाई का मोड इज इक्वल टू 100 का रूट, तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। दूसरी में मैंने वाई को पॉजिटिव अज्यूम करके ओपन किया है, तो ये हमारे पास बन जाएगी लॉग 10 वाई अपॉन मोड एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 2 बन लिख सकते हैं, क्योंकि 10 स्क्वेयर लिखेंगे, इसको 2 का स्क्वेयर लिखेंगे वो आगे आ जाएगा। तो कंपेयर किया तो वाई अपॉन मोड एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया और वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स मोड एक्स आ गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। फर्स्ट मैंने यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट करी वाई की वैल्यू, तो एक्स प्लस टू मोड एक्स
कंप्लीट मोड इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ गया। हम लोग बोल रहे हैं अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस टू एक्स थ्री एक्स का मोड इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो मोड x इज इक्वल टू 10 बाई थ्री आ जाएगा, मोड x इज इक्वल टू 10 बाई थ्री आ जाएगा। x की दो वैल्यू आएंगे प्लस 10 बाई थ्री और माइनस 10 बाई थ्री, बट x पॉजिटिव के लिए ओपन किया तो x इज इक्वल टू ओनली 10 बाई थ्री विल बी योर आंसर। x की वैल्यू जब हम लोगों ने 10 बाई थ्री रखी, x की वैल्यू जब हम लोगों ने 10 बाई थ्री इस इक्वेशन में रखी, तो y हमारे पास आ जाएगा 20 बाई थ्री। सेकेंड केस में लेता हूँ जब x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव खुलेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू एक्स का मोड इज इक्वल टू 10, माइनस एक्स का मोड इज इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मोड ऑफ x इज इक्वल टू 10, x की दो वैल्यू आने वाली है प्लस 10 और माइनस 10, बट पॉजिटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, माइनस 10 हमारे पास एक आंसर आएगा। x की वैल्यू जब माइनस 10 है तो इक्वेशन में रखा तो y हम लोगों को मिल गया 20। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, पहला सॉल्यूशन है 10 बाई थ्री 20 बाई थ्री, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आया माइनस 10 20। यस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आप कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लोग के ट्राई कर सकते हैं, बट आई थिंक बेसिक्स सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।